सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। अभी हम जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बादल देखो, मस्त बादल हो रहे हैं। हाँ वहाँ पे चलो, फाउंटेन के आगे मस्त थोड़े गीले हो जाते ठंडे ठंडे पानी से। ये साइड एक्सप्रेस की लाइन है और ये सिंपल लाइन है, लेकिन फिर भी दोनों साथ में ही है। लेडीज लोगों की वहाँ पे, जेंट्स लोगों की वहाँ पे किया। और ये देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरा पीछे, अंदर से कुछ नहीं निकला। अंकल को लगा मैं कुछ डेंजर कुछ लाया हूँ बैग में, मैं लाया हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कुछ नहीं, एक पानी की बॉटल, गोरिल्ला पॉड। चलो ये देखो पीछे स्टैचू। अभी आगे तो एस्केलेटर भी आएगा, मतलब चलना ज्यादा नहीं है। एस्केलेटर भी है इसीलिए शांति है, वरना तो चल ही नहीं पाते इतना तो। और जिसको चलना है वो चलेगा, जिसको नहीं चलना वो एस्केलेटर पे। हम तो वो वाले टाइप के आदमी हैं जो एस्केलेटर पे भी चलेंगे। तो ये देखो पूरा आइडिया, द प्लान, ये अलग अलग वीडियो है। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू। तो ये मतलब प्रॉपर दुबई जैसी सिस्टम लगा रखी है, हर जगह पे दुबई जैसा। मतलब अगर आप दुबई नहीं जा सकते, दुबई अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये तो आप कर ही सकते हो। सबसे बेसिक मतलब 400 रुपये से तो टिकट है, 400 रुपये की, सिर्फ 400। दुबई में जाओगे तो 5000 तो मिनिमम चालू होती है। 40 महीनों में बनकर तैयार हो गया है। 45 महीने में तैयार हो गया बनकर। ये देखो ऐसा पूरा टाइम लैप्स है। अब लेकिन अभी ऊपर चले, इतनी लंबी लाइन, ओ भाई, अरे यार लाइन में लगना पड़ेगा। ये यही सेम चीज़ हम दुबई में भी लगे थे लाइन में। तो ये देखो ये पूरी गेम है, तो इसे खेलनी है। ये मीर ओसाम Few moments later. पापा से ही आके रुक गया, सिर्फ पापा ही बचे थे अब निकलने के लिए। तो ये देखो ये लिफ्ट,
बहुत स्पीड में ऊपर जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू के अंदर खड़े, हाँ हम अंदर हैं। और ये देखो इनके पैर से जाते हैं लिफ्ट ऊपर तक, उनके सीने जाती है मस्त एकदम हार्ट तक जाते हैं लिफ्ट। तो चलो फिर लिफ्ट में मिलता हूँ, अभी ये खुलेगा ना, ये नीचे आएगा तब मैं आपको मिलता। 20 जनों की कैपेसिटी है यहाँ पे। दुबई, मैं बोल रहा हूँ लिटरली ये दुबई है, उनके पॉकेट में आया शायद, पॉकेट में या तो फिर उनके हार्ट के साइड में आइए। ओह यहाँ से देखो नर्मदा दिख रहा है, यहाँ से नर्मदा वो डैम है और यहाँ से नर्मदा नदी है। ये उनका चेस्ट में है, ये पूरा रूम ये उनका चेस्ट में बना हुआ है। ये जैकेट का बटन, ये जो सेकंड नंबर का बटन है ना, ये वो है उनका, इसके ऊपर का मतलब नहीं। नीचे से मैं आपको दिखाऊंगा ये बटन, यहाँ से कुछ गिरे तो। ये 45th फ्लोर है ना, 45th फ्लोर। ये देखो यहाँ से व्यू, यहाँ पे देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिखा। ये साइड का डैम का ये साइड का एरिया, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुंह का पूरा पार्ट है। सामने से एग्जैक्ट मुझे दिख रहा है हल्की हल्की जाली वहां पे, तो आप चल के भी जा सकते हो या तो फिर ऐसे भी जा सकते हो, तो मैं तो प्रेफर करता हूँ एस्केलेटर से जाओ। कुछ पूछा पूछा मैंने कुछ?
कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लेजर शो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो चलो बाय बाय।